हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग मुगलई पॉकेट्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। अगर आपको अंडा पसंद है, एग्स पसंद है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये क्रिस्पी एग मुगलई पॉकेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लैटर ऑफ टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप मैदा, 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे और तेल डालेंगे मोयन के लिए लगभग 1 बड़ी चम्मच। आप चाहें तो तेल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसको और उसके बाद पानी की सहायता से इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट डो हमें बनाना है, जैसा कि हम पराठे वगैरह के लिए बनाते हैं सेम वैसा ही। धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे इसमें और अच्छे से इसका डो लगा लेंगे। तो ये देखिए डो हमारा तैयार हो गया है, एकदम सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। और इस डो को लगाने के लिए मुझे 1 कप से भी कम पानी लगा है। तो अब इसे कवर करके ढक करके 20 मिनट के लिए हम रख देंगे। तो जब तक हमारा ये डो रेस्ट हो रहा है, तब तक हम अंडे का मिक्सचर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है और इसे फोड़ कर मैं एक बोल में डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं 3 अंडे ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा अंडे ले सकते हैं। और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। और अब इसे अच्छे से फेंट लेंगे हम। यहाँ पर मैं फोक यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो विस्कर यूज़ कर सकते हैं। अंडा आपका अच्छे से फिटा होना चाहिए। तो ये देखिए अंडा अब फिट कर तैयार हो चुका है और यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं। तो आटे को हम चेक कर लेते हैं। अब इसको मसल कर थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया है आटे का, पेड़ा बना लिया है और इसके ऊपर मैं सूखा आटा डस्ट कर रही हूँ। और अब इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला आपको इसे बेल लेना है और शेप का भी कोई ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि बाद में हम इसे चाकू से कट करने वाले हैं। तो एकदम पतला बेलिएगा आप इसे, तब ये बिलकर तैयार है। अब इसे काट लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर चौकोर शेप में, यानी कि स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। चारों तरफ से हमें इसे कट कर लेना है। तो ये कट कर तैयार है। इसके जो साइड्स हैं उसे स्क्रेप ऑफ कर देते हैं, बचे हुए आटे को हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप बना है ये और कितना पतला बना है। तो आइए अब इसे सेक लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, उस पर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच करीब तेल डाल दिया है और इसे केयरफुली इस पर प्लेस कर दिया है, रख दिया है। और अब इसमें हम अंडे का मिक्सचर डालेंगे। अंडे का मिक्सचर हम सिर्फ बीच में डालेंगे, साइड्स वगैरह में हमें अंडे का ये जो मिक्सचर है वो नहीं डालना है। और अब इसे हम फोल्ड कर देते हैं एकदम चौकोर शेप में। हमें इसे फोल्ड करना है, यानी कि स्क्वायर शेप देना है इसे फोल्ड करते हुए। तो ये देखिए इस तरीके से स्क्वायर शेप हम दे देंगे। यहाँ पर मैंने 2 चमचे की मदद से इसे पलट दिया है और इसकी साइड्स को टक इन कर रही हूँ, अंदर की तरफ दबा रही हूँ, ताकि परफेक्ट स्क्वायर शेप मिले हमें दोनों साइड से। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं, पर क्योंकि ये नॉन स्टिक भी है
और मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा ही डाला है तो मुझे तेल की ज़रूरत नहीं है। दोनों तरफ से पलटते हुए हमें इसे अच्छे से पका लेना है। बीच बीच में हम इसे दबाते रहेंगे ताकि इसके साइड्स वगैरह अच्छे से पक जाएं, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे पका लेना है। तो ये देखिए एग मुगलई पॉकेट्स तैयार हैं। तो इसी तरीके से बाकी सारे मुगलई पॉकेट्स भी हम बना लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा।